हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इसलिए आइए इसको देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है। मिरर फॉर्मूला, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये 1/f = 1/v + 1/u होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन जानते हैं। इससे पहले हम अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे होती है, तो कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में उनका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, उनका पोजीशन कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, और आज हम लोग मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर मैं बना दिया, ये कॉनकेव मिरर है। इस मिरर का कुछ नाम MM' कुछ भी नाम दे दिया। यहाँ पर क्या किया कि एक हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया, और इस प्रिंसिपल एक्सिस, इस मिरर का जो हमारा पोल है वो P है। इस प्रिंसिपल एक्सिस का यहाँ पर, ये जैसे हम लोग की जानते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, या कॉनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ये स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स या कॉनकेव जो भी हो, तो ये किससे बने होते हैं, स्फेयर का ही पार्ट होता है। तो स्फेयर का पार्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस स्फेयर से ही बना होगा उसका कहीं ना कहीं सेंटर होता है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सी से पी के बीच का जो मिडिल पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है। अब हम लोग इसके कॉनकेव मिरर में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। इसमें हम लोग मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग चाहे तो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के भी बीच में रख सकते हैं, या बियॉन्ड सी भी रख सकते हैं, या एफ पे भी रख सकते हैं, या सी पे भी रख सकते हैं। तो जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन लेके करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सी रखे हैं, तो हम लोग को पता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी देन द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। तो आइए हम एक कंडीशन यहाँ पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर, बियॉन्ड सी रख दिए। इस ऑब्जेक्ट का नाम सपोज कीजिए मैंने ए बी, इसको मान लिया ए बी। तो हम लोग मिरर फॉर्मूला, मिरर में इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड फोर रूल्स पढ़े थे। उस फोर रूल्स का एक पहला पार्ट ये था कि इफ़ द रेज पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से यहाँ पर, और दूसरी चीज की इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है जहाँ पर दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हो, वो रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो। यहाँ पर हम चूंकि मिरर पढ़ रहे हैं, यानी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दो रेज कहीं ना कहीं पर क्या होना चाहिए, आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए, वहीं पर उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि दो रेज कहाँ से ले, कैसे ले, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी दो रेज आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकती है, कभी कभार क्या होता है, इंटरसेक्शन नहीं होता है, अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट, तो वहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पहला रेज पास करा दिए, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लेते हैं ये मिरर के किसी पॉइंट, इसको कुछ भी मान लेते हैं, एस पॉइंट पर जा कर के और इंटरसेक्ट करती है। तो ये क्या होगा, ये किससे होकर के जाएगी, दिस विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, यानी ये फोकस से पास कर जाएगी। अभी हमने ऑब्जेक्ट से केवल एक रेज को पास कराया है, कम से कम एक दूसरा रेज और भी लेना पड़ेगा। दूसरा रेज कहाँ से लेंगे, इसके लिए हम चाहे तो सी से भी कर सकते हैं, और चाहे तो किसी और पॉइंट से भी, एफ से भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हम सी से ही पास कराते हैं यहाँ से। तो हम लोग को पता है कि जब कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जब भी हम लोग सेंटर से
क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर के किसी भी सर्कमफेरेंस पर ये लाइन ज्वाइन करते हैं, तो यही लाइन एक तरह से क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल का काम करता है। तो जब हमारी जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो ही होना चाहिए। तो यानी जहाँ पर इसके बीच का जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे यानी AC और नॉर्मल हमारा जो है यही C से यहाँ पर कोई भी नाम इसको दे दिया जाता है, तो इनके बीच में इसको M डैश माने ना, इसको मान लेते L मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जब आई रेस तो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इन अब यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा S वाली रेज है SF और ये जो है LC, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही हमारा क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। इसको हम A-B' नाम दे देते हैं, A-B'। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी देन द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के पास हमारे पास ये इमेज बन गया। अब ये जो इमेज बना ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है यानी पॉजिटिव, और ये बन रहा है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यानी ये इन्वर्टेड एंड रियल। व्हेन एक्चुअली टू रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, दैट पॉइंट द इमेज फॉर्मेशन इज रियल। एंड सिंस वी सी दैट दिस इज द बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस सो इट इज द इन्वर्टेड, यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है जनरली किसमें, कॉनकेव मिरर में। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब हमको चूंकि डेराइव करना है मिरर फॉर्मूला, तो ये मिरर फॉर्मूला में जाने से पहले इसमें एक दो बातें और भी जानते हैं। द डिस्टेंस सभी जो डिस्टेंसेज होती है वो मिरर के पोल से मेजर की जाती है, पोल से ले करके और जो हमारा फोकस पॉइंट होता है उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाता है फोकल लेंथ। यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग इसमें पी से एफ तक का जो डिस्टेंस होगा P to F वो स्मॉल एफ कहलाएगा। पी से सी तक का जो डिस्टेंस होगा यानी पोल से रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। पी से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, पी से इमेज तक के डिस्टेंस को वी से डिस्टेंस डिनोट करते हैं। यानी मैंने क्या बताया, मैंने बताया ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डिस्टेंस इज टेकन नेगेटिव। यानी पी से अगर हम लोग लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेज चलेंगे तो ये सभी डिस्टेंसेज नेगेटिव होगी, लेकिन अगर पी से राइट हैंड साइड के डिस्टेंसेज चलेंगे सभी पॉजिटिव होगी। अब इतना सब जानने के बाद आइए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। इस फिगर में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स का कोई टर्म यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ABC देख पा रहे हैं, दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल A-B-C देख पा रहे हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ये रेज यहाँ से ACL या AL ये वाली जो रेज है वो स्ट्रेट आ रही है, और ये आने के बाद क्या हो रही है कि ये दूसरी रेज ये BP वाली जो है ये ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कुछ इस तरह का रेज बन रही है ऐसे, यानी कि ये एक्स शेप में जब रेज बनता है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखते हैं, यानी कि ये AB जो है परपेंडिकुलर है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी ABC एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसी तरह से यहाँ A-B' जो बनेगा इमेज फॉर्मेशन होगा ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो हम लोग
इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे, इसके बाद दूसरा जो ट्रायंगल होगा उसको भी एक को और सिमिलर प्रूफ करेंगे, और सिमिलर प्रूफ करके और तब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए डैश बी डैश सी। इसमें क्या देख पा रहे हैं कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू है एंगल ए डैश सी बी डैश के, ए डैश सी बी डैश के। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, ये दोनों जो है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें एंगल एंड एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश सी, एंगल ए डैश बी डैश सी, ये दोनों इक्वल हो गया और इनकी जो वैल्यू आ गया वो क्या है 90 डिग्री। इसलिए क्या हो जाएगा, देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ये दोनों जो है क्या हो गया हमारे पास, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूफ हो गया। अब सिमिलर प्रूफ करने के बाद हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट इन द टू सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स कहने का मतलब, अगर इस ट्रायंगल में ए बी अगर हम लोग ले लें, जो ट्रायंगल पहले लिखा होता ए बी सी पहले लिखा है, ए डैश बी डैश सी बाद में लिखा है, तो जो ट्रायंगल पहले लिखा होता है अगर हम उस ट्रायंगल के साइड्स को पहले लिखेंगे, ए बी जैसे लिख लिया, तो फिर अब दूसरा इसमें जो है ए बी अपॉन हमने क्या लिया, इधर ए बी लिया, तो इधर लिखना पड़ेगा हमको ए डैश बी डैश इक्वल टू। इसमें अगर हम बी सी अब लिखेंगे, बी सी बी सी, तो इधर लिखना पड़ेगा बी डैश सी, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन करके और आ गई। दूसरा इक्वेशन जो है, ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग किसको किसको लेंगे, अब एक बार हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा एक, इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मान लेते हैं एन, ठीक है। अब हम लोग एक बार ट्रायंगल ये दोनों ले लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एस एन एफ, एस एन एफ, एस एन एफ एंड ट्रायंगल, इधर एस एन एफ लिया तो इधर आ जाएगा ए डैश बी डैश एफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एस एन जो है परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इसलिए एस एन एफ एंगल एस एन एफ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा एंगल हमारा क्या है, ए एफ एन, सॉरी एस एंगल एस एफ एन इक्वल टू एंगल एस एफ एन इक्वल टू ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो गया। इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल एस एन एफ सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के, देयरफोर उधर हम क्या लिख सकते हैं, अगर इधर हम लोग लिखें एस एन एस एन, तो इसमें लिखना पड़ेगा ए डैश बी डैश इक्वल टू, इधर अगर हम एफ एन लिखेंगे एफ एन, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा एफ बी डैश। तो इस तरह से हमारे पास, और फ्रॉम फिगर वी सी दैट एस एन इक्वल टू ए बी, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या है, एस एन जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के। क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, बिकॉज बिकॉज ए बी पैरेलल टू एस एन,
ए बी भी पैरेलल है और साथ में ये भी हमारा पैरेलल है, तो इसीलिए ए एस पैरेलल टू एस ए, ए एस पैरेलल टू बी पी लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसलिए इसे वैल्यू को रख लेंगे, किसको रखेंगे, एस एन के जगह ए बी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू, इधर आ गया एफ एन अपॉन एफ एन अपॉन एफ बी डैश, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया, इधर इक्वेशन फर्स्ट था। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ये देख पा रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, और इक्वेशन सेकेंड का भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी इधर से आ जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी डैश बी डैश सी इक्वल टू या एफ एन अपॉन एफ बी डैश, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिगर के अकॉर्डिंग BC की वैल्यू निकालेंगे, बी डैश सी डैश निकालेंगे, एफ एन निकालेंगे और एफ बी डैश निकालेंगे। BC की वैल्यू या फिगर को देख करके कैसे निकाला जा सकता है, BC की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, BC निकालने के लिए अगर हम PB डिस्टेंस में से PC को माइनस कर दें तो निकल सकता है, BC इक्वल टू क्या निकलेगा, PB माइनस PC, और पी बी का वैल्यू है पी बी, पी बी जो है ना ये ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन के साथ जब लिखा जाएगा तो उसको हम माइनस यू लिखेंगे, माइनस पी सी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो माइनस आर, यानी ये आ गया माइनस यू प्लस आर। इसी तरह से बी डैश सी लिखेंगे, बी डैश सी ये वैल्यू है, तो अगर हम इसमें से पी बी में से पी बी डैश माइनस सॉरी पी सी, पी सी माइनस पी बी डैश कर दें तो वैल्यू निकल जाएगा, पी सी की वैल्यू माइनस आर माइनस पी बी डैश, पी बी डैश ये पी बी डैश किसके इक्वल है, ये इमेज तक की डिस्टेंस है, पी बी डैश ए डैश बी डैश पे इमेज बन रहा है, इमेज तक की डिस्टेंस है माइनस का वी, यानी आएगा माइनस आर प्लस वी। अब एफ एन, एफ एन, एफ एन, एफ एन को हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, एफ पी के इक्वल लिख सकते हैं, जब ये इसका मिरर का अपर्चर बहुत छोटा होगा तो पी एफ जो होगा फोकल लेंथ के इक्वल होएगा माइनस एफ के, इफ अपर्चर अपर्चर इज स्मॉल देन वी कैन राइट या वी कैन टेक एफ एन इक्वल टू एफ पी, तो ये आ गया। अब बचा हमारे पास एफ एफ बी डैश, एफ बी डैश, एफ बी डैश, एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसमें से पी बी डैश में से पी एफ को माइनस कर दें, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी, पी बी डैश माइनस पी एफ कर दिया जाएगा तो एफ बी डैश निकल जाएगा, तो पी बी डैश कितना है माइनस का वी और पी एफ है माइनस का एफ, तो ये आ जाएगा कितना माइनस वी प्लस एफ। अब हमारे पास सभी जो वैल्यूज है वो आ गई है, इन सबको हम इक्वेशन थर्ड में रख लेंगे। अब पुटिंग पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं सभी वैल्यू को, तो BC कितना है, BC की वैल्यू यहाँ पर निकला है
माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाई बी डे सी, ये माइनस वी माइनस आर प्लस वी आया है इक्वल टू एफ एन की वैल्यू आया है, एफ एन है माइनस एफ और एफ बी डैश आया है माइनस वी प्लस एफ। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे हमारा जो है डेरिवेशन आ जाएगा, इस सकते हैं आर माइनस यू डिवाइडेड बाई वी माइनस आर इक्वल टू, इधर माइनस का है एफ माइनस एफ है, अगर हम डिनोमिनेटर में भी माइनस का माइनस कॉमन ले लें तो v माइनस एफ आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा f अपॉन v माइनस एफ, यहाँ से r माइनस यू अपॉन v माइनस आर। अब हम लोग r के टर्म्स में तो हमें नहीं पढ़े हैं, मिरर फॉर्मूला u v और f के टर्म्स में होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे जहाँ पर आर आर एफ से आर एफ कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद और यहाँ पर हमारे पास बच गया एफ वी और एफ वी के बाद आर के जगह जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू, तो इससे अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो टू एफ के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, आर के जगह टू एफ रख दिया तो टू एफ इंटू वी हो गया माइनस या से यू वी और प्लस यू एफ। इस टू एफ वी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए क्योंकि एफ वी का टर्म यहाँ भी है तो यह आ जाएगा माइनस का एफ वी इक्वल टू माइनस यू वी और प्लस यू एफ। अब इधर माइनस वाला टर्म जो है एक यहाँ पर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आए यहाँ लेफ्ट साइड तो प्लस हो गया और इस माइनस एफ वी को राइट हैंड साइड में लेके गया इधर तो ये प्लस का हो गया यानी यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस एफ वी, ये हमारे पास टर्म आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू वी यू वी इक्वल टू यू एफ प्लस यहाँ से आ गया एफ वी। अब होल इक्वेशन में हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय यू वी एफ ऑन बोथ साइड्स बोथ साइड्स, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यू वी डिवाइडेड बाई यू वी एफ इक्वल टू यू एफ है इसमें भी यू वी एफ से डिवाइड प्लस एफ वी इसमें भी हम यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा ये यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, इसमें यू एफ से यू एफ कैंसिल होगा और एफ वी से एफ वी कैंसिल होगा, ये आ जाएगा वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस यहाँ पर आएगा वन अपॉन यू, यही हमारा क्या होता है मिरर फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाले अभी रे डायग्राम बना करके पूरा डिटेल्स मैंने बताया, ये वन बाई एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू आता है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है और इसमें u जहाँ पर क्या चीज़ है u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर फ्रॉम द मिरर, ठीक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस और f क्या होता है f होता है हमारा फोकल लेंथ होता है, ठीक है f इक्वल टू होता है फोकल लेंथ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ में हमको ध्यान देना होता है कि अगर कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लिया जाएगा। दूसरी चीज लेंस हो या मिरर हो उसमें भी चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो दोनों ही स्थिति में हम लोग u जो है ऑलवेज निगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं जबकि v की वैल्यू डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन भी दबाइए और इसको हो सके तो लाइक और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।